तो आप सबका बहुतों का सवाल था कि बोरवेल में जो भी सामान लगते हैं उसके बारे में हमको डिटेल से बताइए। तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे नेहा हार्डवेयर के पास, यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे और बादल जी से सवाल करेंगे कि जो भी सामान लगते हैं बोरवेल में उसके बारे में फुल डिटेल्स बताइए। तो सबसे पहले बादल जी, हमको इस पीवीसी पाइप के बारे में बताइए कि ये पीवीसी पाइप कौन सा कंपनी है, इसका कितना प्राइस है? बाबा कंपनी का है, इसका प्राइस 1350 रुपया पड़ता है। ये बाबा कंपनी का, जो इसकी हाइट जो है ये कितना फीट का अभी हाइट? ये 20 फीट का हाइट है इसका। 20 फीट का है। और हमारे बोरवेल में कितना पाइप लगते हैं एक, उसका बारे में डिटेल से बता दीजिए। उसमें लगता है 30 फीट फिल्टर, 20 फीट पाइप। और 30 फीट फिल्टर लगता है, यानी कि इसमें जो होल किया रहता है जिसके द्वारा हमारा बोरवेल में पानी आते हैं वो इसमें फिल्टर पहले नीचे में डालते हैं, उसके बाद में ये वाला पाइप जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं गाइस, ये पहले ऊपर में ये डालते हैं। उसके बाद हमको जाली के बारे में बता दीजिए थोड़ा डिटेल से। तो चलिए दोस्तों, आपको हम जाली के बारे में बताते हैं और बादल जी से सवाल करते हैं जाली के बारे में। थोड़ा आपको हम बता देते हैं कि जो भी सामान लगते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह हमारा जाली है जो कि बोरवेल में वहाँ पे जो कि फिल्टर जहाँ पे लगते हैं उसी में ये जाली को लपेटा जाता है, ताकि हमारा जो भी पानी है वो थोड़ा सा भी कचरा ना जाए पानी में और अच्छा से हमारा पानी वो बाहर निकल जाए। तो ये जाली के बारे में हमको डिटेल से बता दीजिए थोड़ा, कौन सा कंपनी का जाली है और ये कितना अच्छा तरह से इसमें? ये मक्का छाप का जाली है, बढ़िया टिको है इसका, तो बहुत ही अच्छा। 850 रुपया प्राइस है। 850 प्राइस है। और एक बंडल का 50 मीटर रहता है, एक बंडल में 50 मीटर रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये बंडल जो अभी आप देख रहे हैं ये 50 मीटर का बंडल है, और इसमें हमारे बोरवेल में जो लगता है गाइस वो मिनिमम जो है वो 7 मीटर लगता है, यानी कि पूरा बंडल नहीं लगता है, सिर्फ 7 मीटर हमारे बोरवेल में यूज कर सकते हैं गाइस। तो देख सकते हैं कि ये बोरवेल। उसके बाद और क्या सब सामान लगते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। उसमें पाइप लगते हैं, सॉकेट लगते हैं, एंड कैप लगते हैं, उसके बाद जाली लगते हैं, फिल्टर लगते हैं, बहुत प्रकार के सामान लगते हैं। तो ये सामान के नाम सुने हैं, उनके बारे में हम आपको पूरी सामान के बारे में आपको हम बता देते हैं डिटेल से कि कौन कौन सामान जो है कितने में आपको मिलेंगे और कौन सा सामान आपको कितना इसमें बाय करना चाहिए, ताकि आपको बोरवेल के लिए जो भी सामान का नाम सुने हैं वो आपको फिट बैठे और आपको जो भी आप प्राइस लगाएंगे वो आपका बेस्ट ना हो। तो सबसे पहले अगर आप 20 फीट का जो पीवीसी पाइप लेते हैं गाइज, उसकी दाम बता दें, आपको प्राइस बता दें, तो आपको इसका मैक्सिमम जो है वो आप 1500 पड़ेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे, चाहे आप मार्केट में जहाँ भी पता कर लिए। उसके बाद आपका आता है फिल्टर। फिल्टर तो स्वाभाविक है आपको 30 फीट लगेगा, तभी आपका बोरवेल जो है 50 फीट हो पाएंगे गाइज। तो इसके लिए उसका दाम पड़ेंगे गाइज वो 2100 यानी कि 2000 से 2100 के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएंगे ये आपको फिल्टर। उसके बाद आपको हम बता दें गाइज कि जो इसमें आते हैं वो उसके बाद आते हैं जाली। तो आपका टोटल जो जितना फिल्टर है उस उतना में ही आपको जाली उसको लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप जो बता दे गाइस, तो वो आपको वो मीटर के हिसाब से उसमें आप बाय कर सकते हैं गाइस। तो आपको ये 350 के बीच में आपको ये जाली आ जाएंगे मार्केट में, यानी कि 30 फीट का दाम। उसके बाद आता है गाइस उसका सॉकेट, जहाँ पर ये दोनों को ज्वाइंट करेंगे आप, एक फिल्टर और एक पीवीसी पाइप दोनों जो है उसको ज्वाइंट करेंगे। उसके लिए आपको हम बता दें इसका प्राइस जो वो आपको 50 रुपये में वो एक सॉकेट मिलता है, वो आप बाय कर लीजिए ये दोनों पाइप आप ज्वाइंट करने के लिए। उसके बाद आता है एक ढक्कन, जो कि नीचे में अगर आप लगाएंगे जहाँ पे हमारा अंतिम में जहाँ पे फिल्टर लगता है, तो इस ताकि हमारा बोरवेल में कोई भी अंदर से मिट्टी या कोई भी कण ना जाए, उसके लिए ढक्कन लगता है वो आपको। और बता देगा इसकी एक हमारा जहाँ पे हमारा जाली लगता है उसको पूरी तरह से टाइट करने के लिए एक उसका फीता आता है, यानी कि पोला आता है, उसकी प्राइस आपको दोनों की बता दे गाइज। तो ये आपको मिल जाएंगे समथिंग में आपको 150 रुपये यानी कि 100 में मिल जाएंगे गाइज। तो टोटली सामान आपको हम मिला के बता दे तो ये आपको 4000 के बीच में समथिंग में आपको ये आपको मिल जाएंगे गाइज मार्केट में पूरी तरह से, इतना में आप बोरवेल कर सकते हो। उसके बाद आपका मिस्त्री का खर्चा अलग से लगेंगे और खाना पीना जो भी उसका सामान है, तो आपको 7 से 8 हज़ार के कॉस्टली में ये आपको पूरी तरह से ये जितना भी प्रकार के बोरवेल से संबंधित सामान है ये आपको आसानी से मिल जाएंगे गाइस। तो इस संबंधित प्रकार के दोस्तों देखिए कि यानी कि जितने भी सामान आप अभी आप सुने, ये सब सामान मिलाकर आप बोरवेल कर सकते हैं अच्छा से और आप खेत में सिंचाई कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।